इसने अब कितना कर लिया बेटा, कब हुआ? मुझे पर 8 कब बताया था डॉक्टर्स ने? 8 कब हो गया था इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ? पहले पहले स्वामी जी 20 था, उसके बाद दवाई लेने से फिर और घट गया ये, और कम हो गया। हाँ जी 8 हो गया सी। 8 कब की बात है ये? कोरोना में हुआ था जी। कोरोना में हुआ था, तो अब तक मरा क्यों नहीं तू? उसके बाद आपकी दवाई और योगा से अब 2022 में चेक कराया था तो 25 हो गया सब भाई। अब रोज बेटा आज जो बताया ना, हार्ट में अपने मन को लगा करके, और मेरा हार्ट अच्छा हो रहा है, भगवान जी अच्छा कर रहे हैं, बस इतनी बात सोच लो, और कुछ भी नहीं आता तो भगवान जी तेरे को सब पता है, तू मेरा हाथ ठीक कर दे स्वामी जी। तू नहीं बनाया है। तोलने में भी तकलीफ होती थी, अब जहां घूम रहा हूं। पहले चलने में भी तकलीफ होती थी, अब इसका ये 22-25 से सीधा 50 हो जाएगा। और बाथरूम भी नहीं आता था, अब बाथरूम भी पूरा आ रहा है। उसके लिए क्या लिया? गोखरू का पानी पिया? यही जो दवाई जहाँ दे रहे हैं गोखरू का पानी दे दे, पेशाब भी नहीं आता था वो आने लग गया। और अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत कार्डियोग्रिट ले रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। और ये पॉइंट भी दबाना ठीक है स्वामी। इजेक्शन फ्रैक्शन 8 वाला मैंने भी पहला पेशेंट देखा। इससे पहले खान में काम करता था राजस्थान में, लड़का 15 था उसका, उसका भी 25-30 किया, और उसका भी हो गया होगा 50-60। उसको भी डॉक्टर ने डरा दिया था मरेगा तू। ये 8 वाला तो पहली बार मिला। डॉक्टर साहब आपने पहली बार देखा होगा चलता फिरता, इन्होंने भी नहीं देखा। स्वामी जी पीस मेकर लगाने को बोल रहे थे, 7 लाख रुपया मांग रहे थे। ते तो बच गए 7 लाख। ठीक है मौज कर बेटे, क्या करते हो? टेलर का काम करते हैं। अब टेलर का काम करता है, कहाँ से लाएगा 7 लाख रुपए? खूब बढ़िया काम किया कर बेटा, बस सुबह सुबह अपना योग किया कर, और दिन भर जो है सुबह सुबह अपने हाथ की सिलाई कर ले, और दिन भर कपड़े की सिलाई किया कर। प्रणाम स्वामी जी।